लोकतंत्र के पर्व के परिणाम आने में सिर्फ 2 दिन का समय बाकी है और दर्शकों ये पता लग जाएगा कि इस बार सरकार आपके इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है या फिर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। इसी उत्कंठा के बीच अलग अलग रिपोर्ट्स लगातार वायरल हो रही हैं और आपने अभी तक एग्जिट पोल तो देख ही लिए होंगे, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि इस बार एनडी गठबंधन किस राज्य में कितनी सीटें आराम से जीत रहा है, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें किस राज्य में आराम से जीत रहा है और कितनी सीटों पर कड़ी टक्कर होने जा रही है। आज का वीडियो इसी अलग अंदाज में होने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर किस राज्य में आराम से जीत रहे हैं और कितनी सीटों पर कड़ी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इस नए अंदाज वाले वीडियो को राज्यवार शुरू करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि किस राज्य में क्या स्थिति इस बार लग रही है। सबसे पहले शुरू करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लिए जानने के लिए सब में उत्कंठा के साथ साथ उत्सुकता भी बनी रहती है और उत्तर प्रदेश का ये कहा जाता है कि यह दिल्ली की गद्दी का एक रास्ता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वहीं आती है। तो उत्तर प्रदेश का आपको हाल बताएं तो जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के आधार पर है, उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि इस बार 40 सीटें एनडीए आराम से जीतता हुआ आपको दिखेगा वहां पर। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन सिर्फ 10 सीटें आराम से जीतता हुआ वहां पर बताया जा रहा है और 20 सीटें ऐसी हैं जिस पर कड़ी टक्कर है। और अगर वहाँ पर एज की बात की जाए तो 70% एज, अगर बात की जाए, अगर 70 एज की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो अगर चांसेज की बात की जाए कि अगर वहाँ पर जो 20 सीटें जो कड़ी कंपटीशन की बात हो रही है तो उन पर 70% चांस हैं कि एनडीए गठबंधन उन सीट को निकाल लेगा और सिर्फ 30% ही चांस हैं कि इंडिया गठबंधन के वो सीटें खाते में जाएंगी। यानी कि 20 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर एज है बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को और सिर्फ 10 सीटें ही आराम से इंडिया गठबंधन जीतता हुआ आपके दिख रहा है। दूसरे राज्य की तरफ बढ़ें तो वो है महाराष्ट्र और यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें आती हैं और 48 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन आराम से 12 सीटें जीतता हुआ बताया जा रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं बात की जाए 18 सीटों की तो 18 सीटों पर कड़ी टक्कर बताई गई है और यहाँ पर जो एज है वो 75% आपके इंडिया गठबंधन को है। यानी कि चांसेस ये अधिक हैं कि 75-25% का जो सिनेरियो बन रहा है और 75% चांस है कि ये 18 सीटें भी इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। जैसे यूपी में 70% चांस है कि वो 20 सीटें आपके बीजेपी या एनडीए गठबंधन जीत जाएगा, ऐसे महाराष्ट्र में 18 सीटों के लिए 75% चांस बन रहे हैं कि ये सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। तो दर्शकों तीसरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं, वो है बंगाल और ये है थर्ड लार्जेस्ट स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक सीटें आती हैं। बंगाल की बात की जाए तो यहाँ पर 42 लोकसभा सीटें आती हैं और इस बार रिपोर्ट्स कह रही है कि 6 सीटों को आराम से बीजेपी यहाँ पर जीतते हुए दिखेगी। यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूँ मैं और मैं जब भी बीजेपी बोलूँ दर्शकों तो आप समझ जाइएगा कि मैं एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूँ। और अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें आराम से जाते हुए दिख रही हैं। अब इन 20 सीटों में से टीएमसी की सीटें भी इंक्लूड हैं और कांग्रेस की 1-2 सीटें हैं इसमें से और बाकी की सीटें टीएमसी की सीटें हैं। हम आपको लगातार हर वीडियो में बता रहे हैं कि टीएमसी ने बिना कोई शर्त के इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया है, इस वजह से टीएमसी की सीटों को इसमें इंक्लूड कर बताया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए 16 सीटों की तो 16 सीटों पर कड़ी टक्कर है वहाँ पर और कड़ी टक्कर भी इतनी कड़ी टक्कर है कि दोनों पार्टियों के चांस हैं, यानी कि 50-50% चांस हैं 16 सीटों पर, इधर भी वो सीटें जा सकती हैं और इधर भी वो सीटें जा सकती हैं। चौथा राज्य आता है बिहार और बिहार में बात की जाए तो टोटल सीटें आती हैं 40। ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है देश का और जहाँ पर सबसे अधिक सीटें आती हैं और 40 में से बीजेपी 39 पिछली बार जीतने में कामयाब हुई थी। एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार के समीकरण बता रहे हैं कि सिर्फ 15 सीटें आपके एनडीए गठबंधन आराम से वहाँ पर जीतता हुआ दिख रहा है और आपके 15 सीटें इंडिया गठबंधन आराम से जीतता हुआ दिख रहा है। सीटें बच गई 10 और 10 सीटों पर आपके अगर एज की बात की जाए तो 60-40 का एज है, यानी कि 60% चांस है आपके ये सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में चली जाएंगी और 40% चांस है कि ये इन सीटों को इंडिया गठबंधन जीतेगा। यानी कि यहाँ पर चांसेस एनडीए गठबंधन के कुछ ज़्यादा हैं।
वहीं अगर अगले राज्य की बात की जाए तो वह है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी पिछले बार 0 सीटें जीतने में यहाँ पर कामयाब हुई थी। इस बार ग्राउंड जीरो के समीकरण कह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा और 37 सीटें आराम से इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है और 2 सीटों पर कड़ी टक्कर है। और एज की बात की जाए तो 90% और 10% का एज है, यानी कि 90% चांस है कि ये सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी जो बची हुई 2 सीटें हैं, और 10% चांस है कि बीजेपी इन सीटों को जीत पाएगी। यानी बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ तो एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूँ दर्शकों। वहीं अगर अगले राज्य की बात की जाए तो वो है कर्नाटका, और कर्नाटका में 28 लोकसभा सीटें आती हैं और 28 सीटों में से बीजेपी 25 जीतने में पिछले बार कामयाब रही थी, लेकिन इस बार के समीकरण वहां पर 180 डिग्री बिल्कुल बदल चुके हैं। हर वीडियो में मैंने इसके बारे में दर्शकों आपको बताया है, और ये समीकरण ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि कर्नाटका में बीजेपी इस बार आराम से, जो सीटों की बात की जाए तो 7 सीटें आराम से जीतते हुए दिख रही है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 16 सीटों पर आराम से इंडिया गठबंधन जीतता हुआ बताया जा रहा है, और 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर कड़ी टक्कर देखने को आपको मिलेगी। और आपको एज की बात की जाए तो 80-20% का एज है, यानी कि 80% इंडिया गठबंधन के इन सीटों के जीतने के चांस हैं और 20% ही चांस हैं आपके एनडीए गठबंधन इन सीट को जीत पाएगा। अगले राज्य मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें आती हैं और 29 सीटों में से आपके 28 सीटें जीतने में बीजेपी पिछले बार कामयाब हुई थी। इस बार के समीकरण कह रहे हैं कि 20 सीटें आराम से बीजेपी वहाँ पर निकाल लेगी। वहीं अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो 5 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर आराम से जीतता हुआ बताया जा रहा है, और 4 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहाँ पर इस बार कड़ी टक्कर बताई जा रही है, यानी कि 50-50% चांस है कि दोनों ही पार्टियों के खाते में ये सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़े वो है गुजरात, और गुजरात में आपको पता ही होगा दर्शकों 26 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी 26 की 26 जीतती आ रही है लगातार, अगर इतिहास की बात की जाए 2014 हो 2019 हो, लेकिन इस बार के समीकरण कह रहे हैं कि 20 सीटें आराम से बीजेपी जीतती हुई दिख रही है गुजरात में। वहीं अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो सिर्फ 2 सीटें आराम से जीतता हुआ बताया गया है इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के आधार पर कि इंडिया गठबंधन के गुजरात में जाती हुई दिख रही हैं, और 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ी टक्कर है और ये एज है 50-50% का, यानी कि ये सीटें किधर भी जा सकती हैं, किसी को भी एज नहीं है यहां पर, और ये सीटें कांग्रेस के खाते में भी जा सकती हैं और बीजेपी के खाते में भी जा सकती हैं। अगले राज्य की तरफ बढ़े जो कि हमारा 9वां राज्य है, और 9वें राज्य में है राजस्थान निकल कर आता है, और राजस्थान में भी 25 लोकसभा सीटें आती हैं और 25 की 25 सीटें राजस्थान लगातार बीजेपी को देता आ रहा है, चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो। जैसे गुजरात में स्थिति है वैसे ही राजस्थान में स्थिति रही है इतिहास में, लेकिन इस बार के समीकरण राजस्थान में भी बदल चुके हैं, और राजस्थान में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कह रही है कि 12 सीटें आपके एनडीए गठबंधन वहां पर आराम से जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 8 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर आपको आराम से जीतता हुआ दिखेगा। कड़ी टक्कर की बात की जाए तो 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ी टक्कर की बात की जा रही है राजस्थान में, अगर देखा जाए तो 8 सीटें ऐसी निकल कर आ रही हैं जो बीजेपी का गढ़ रहा है पिछले 10 सालों से, वहां पर ऐसी 5 सीटें निकल कर आ रही हैं जहां पर कड़ी टक्कर है, और 8 सीटें तो आराम से आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली ही गई हैं। और अगर यहां पर एज की बात की जाए तो 60-40 का एज है और 60% चांस है कि ये सीटें भी इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी, और 40% चांस है कि ये सीटें बीजेपी या एनडीए गठबंधन के खाते में जाएंगी। वहीं अगर हम 10वें राज्य की तरफ बढ़ें तो वो है आंध्र प्रदेश। वहीं अगर आंध्र प्रदेश में टोटल सीटों की बात की जाए तो 25 लोकसभा सीटें आती हैं और 25 में से 6 सीटें आपके आराम से एनडीए गठबंधन इस बार जीतते हुए बताया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन आराम से कोई भी सीट जीतते हुए नहीं दिख रहा है, यानी खाता भी नहीं खुल रहा है आंध्र प्रदेश में। बाकी की जो बच गई सीटें हैं, जो 19 लोकसभा सीटें हैं, वो आपको वाईएसआर यहां पर जीतता हुआ बताया गया है। वहीं अगर अगले राज्य की बात करें तो वो है केरला, और केरला में 20 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी का पिछले बार यहां पर खाता नहीं खुला था। इस बार की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कह रही है कि एक भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर बीजेपी जीत सकती है, तो इस बार भी खाता तो नहीं खुलने जा रहा है केरला में भी। 17 ऐसी सीट हैं जहां पर इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है, यानी कि आराम से जीतता हुआ दिख रहा है। 3 सीटें ऐसी हैं
जिनमें सीपीएम और इंडिया गठबंधन के बीच में कड़ी टक्कर है और यहाँ इन तीन सीटों पर एज है आपके इंडिया गठबंधन को। अगर यहाँ पर सीटें निकलती भी हैं तो 3 से 4 सीटें ही सीपीएम जीत पाएगा। वहीं अगर अगले राज्य की बात करी जाए तो वो है तेलंगाना, और तेलंगाना में अगर लोकसभा सीटों की बात करी जाए तो 17 हैं और 17 में से 4 बीजेपी के खाते में आई थी पिछले बार। दर्शकों, इस बार के समीकरण कह रहे हैं कि 2 सीटें आराम से आपके एनडीए गठबंधन वहां पर आपको जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन भी 10 सीटें आपको वहां पर आराम से जीतता हुआ बताया गया है, और 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ी टक्कर देखने को आपको मिलेगी। और एज की बात की जाए तो 60-40 का एज है, यानी कि 60% चांस है कि इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीटें चली जाएंगी और 40% चांस हैं कि ये सीटें बीजेपी के खाते में जाने जा रही हैं। दर्शकों, वहीं अगर अगले राज्य की बात की जाए तो वो है ओडिशा, और ओडिशा में इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। यहाँ पर सीटें आती हैं 21 और बीजेपी पिछले बार 8 जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कह रही है कि 5 सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन आराम से जीतता हुआ दिख रहा है, और 2 सीटों की बात की जाए तो वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं आराम से। बाकी की 10 सीटें यहाँ पर अदर के खाते में जा रही है, जो यहाँ पर बीजेडी पार्टी है नवीन पटनायक जी की, उनके खाते में जाते हुए बता रही है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। और 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को आपको मिलेगी, और ये कड़ी टक्कर है 50-50% की, और ये टक्कर आपको देखने को मिलेगी बीजेपी वर्सेज बीजेडी। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की ये टक्कर नहीं है। यह भी तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी इस बार आपके उड़ीसा से अच्छा करने वाली है। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो वो है असम, और असम में 14 लोकसभा सीटें आती हैं, और 14 में से बीजेपी इस बार 8 सीटें आराम से जीतते हुए बताई जा रही है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 3 सीटें आराम से आपके इंडिया गठबंधन वहां पर जीतता हुआ बताया जा रहा है। और अगर 3 सीटें की बात की जाए तो 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कड़ी टक्कर है और 50-50% की टक्कर है, यानी कि ये 3 सीटें इधर भी जा सकती हैं या उधर भी, इंडिया गठबंधन भी जीत सकता है और एनडीए गठबंधन भी। अगले राज्य की तरफ बढ़े तो वो है झारखंड, और झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आती हैं, 11 बीजेपी पिछले बार जीतने में कामयाब रही थी। इस बार के समीकरण कह रहे हैं कि इस बार 4 सीटें आराम से बीजेपी जीतती हुई वहां पर दिख रही है, 6 सीटें आपके इंडिया गठबंधन वहां पर आराम से जीतता हुआ दिख रहा है, और 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ी टक्कर है, और ये टक्कर है 50-50% की, यानी कि ये 4 सीटें आपके बीजेपी के खाते में भी जा सकती हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में भी जा सकती हैं। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़े तो वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर 11 लोकसभा सीटें आती हैं, और 11 में से 9 बीजेपी पिछले बार जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कह रही है कि सिर्फ 6 सीटें आपके आराम से बीजेपी वहां पर जीतते हुए दिख रही है, और 4 सीटें आराम से इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर 1 सीट जो बच गई उस पर 50-50% की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, ये सीट एक जो बच गई यह आपके बीजेपी के खाते में भी जा सकती है और कांग्रेस के खाते में या इंडिया गठबंधन के खाते में भी जा सकती है। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़े वो है हरियाणा, और हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें आती हैं, और यहाँ पर भी बीजेपी 10 की 10 जीतती आ रही है, चाहे वो बात करें 2019 की या बात करें 2014 की, यानी कि हरियाणा में समीकरण हमेशा ऐसे रहे हैं जैसे राजस्थान में हैं, जैसे दिल्ली में हैं, जैसे आपके उत्तराखंड में हैं, जैसे आपके गुजरात में हैं। और यहाँ पर जो समीकरण निकल कर आ रहा है उसमें 180 डिग्री का बदलाव साफ देखने को मिल रहा है। जैसे समीकरण पहले थे अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं। इस बार सिर्फ 2 सीटें आपके हरियाणा में बीजेपी आराम से जीतते हुए दिख रही है। वहीं अगर 5 सीटें आराम से आपके यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतते हुए बताया जा रहा है, हो गई टोटल 7 सीटें, और 3 सीटें जो बची हैं वहाँ पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है, और कड़ी टक्कर भी ऐसी टक्कर नहीं है, 50-50% की टक्कर है, यानी कि ये तीनों सीटें आपके बीजेपी के खाते में भी जा सकती हैं और एनडीए गठबंधन के खाते में भी जा सकती हैं। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो वो है पंजाब, और पंजाब में टोटल सीटें आती हैं 13, और 13 में से एनडीए गठबंधन पिछली बार 2 जीतने में कामयाब हुआ था, लेकिन वहां पर भी 180 डिग्री हवा बदल चुकी है। जैसा हरियाणा और पंजाब का नाता भी है और किसान आंदोलन यहीं से ही हवा सबसे गर्म हुआ था, तो यहाँ पर दिख रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान इतना बड़ा है पंजाब में कि जो 2 सीटें आती थी वो भी इस बार गंवाती हुई दिख रही है बीजेपी, यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन का खाता भी नहीं खुल रहा है पंजाब में। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर अलग अलग चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन इनको एक ही माना जा रहा है क्योंकि देश में इनका गठबंधन है।
तो ये 8 सीटें आराम से जीतते हुए वहां पर दिख रहे हैं, और 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और ये जो एज है 70-30% का है, 70% आपके इंडिया गठबंधन की तरफ है और 30% आपके बीजेपी की तरफ या अदर की तरफ ये एज जा रहा है बाकी की बची हुई 5 सीटों पर। अब पंजाब की बात हो गई, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली की बात होनी तो बनती है। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य यानी कि दिल्ली यानी कि देश की राजधानी पर, और देश की राजधानी में टोटल सीटें आती हैं 7, और 7 की 7 बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, और इन 7 सीटों में से इस बार ऐसा लग रहा है कि 2 सीटें आराम से बीजेपी जीतते हुए बताई जा रही है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के आधार पर, और 4 सीटें आपके इंडिया गठबंधन वहां पर आराम से जीतते हुए दिख रहा है, और 1 सीट ऐसी है जहां पर कड़ी टक्कर है और चांसेज हैं 50-50% के, यानी कि 50% चांस है कि 1 सीट आपके बीजेपी के खाते में चली जाएंगी, और 50% चांस है कि 1 सीट आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएगी, यानी कि दोनों पार्टियों के जीतने के 50-50% चांस दिल्ली में बन रहे हैं। वहीं अगर अगले राज्य उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी 5 की 5 सीटें बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, वहां पर 5 लोकसभा सीटें आती हैं, और 5 सीटों में से इस बार कहा जा रहा है कि 3 सीटें बीजेपी आराम से जीतती हुई आपको वहां पर दिखेगी, और 1 सीट आपके आराम से इंडिया गठबंधन सीट जीतता हुआ बताया जा रहा है। 1 सीट ऐसी है जहां पर कड़ी टक्कर आपको देखने को मिलेगी, और ये जो प्रतिशत है वो 50-50% है, यानी कि ये चांसेस हैं कि 50% ये आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, और 50% है ये आपके बीजेपी या एनडी गठबंधन के खाते में भी जा सकती है। उत्तराखंड के बाद आता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भी 4 लोकसभा सीटें आती हैं, और इतिहास देखा जाए तो बीजेपी का इतिहास यहाँ पर भी अच्छा रहा है। यहाँ की अगर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की बात की जाए तो सिर्फ 1 सीट बीजेपी यहाँ पर इस बार आराम से जीतती हुई बताई जा रही है, और 2 सीटें आपके इंडिया गठबंधन यहाँ पर आराम से जीतता हुआ बताया जा रहा है, और 1 सीट है जहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, यहाँ पर जैसे 4 लोकसभा टोटल सीट हैं, और 1 सीट जहाँ पर है यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और यहाँ पर 50-50% का चांस है ये आपके इंडिया गठबंधन के खाते में भी जा सकती है या बीजेपी गठबंधन के खाते में भी ये सीट जा सकती है। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो वो है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें आती हैं, बीजेपी का एनडीए गठबंधन पिछली बार 2 सीटों को जीतने में यहाँ पर कामयाब रहा था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 1 सीट आराम से जीतता हुआ दिखेगा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के आधार पर, और 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इंडिया गठबंधन आराम से जीतता हुआ दिख रहा है, बची हुई 1 सीट जहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब दर्शकों बात कर लेते हैं अदर यूटीज की, जहाँ पर टोटल सीटों की अगर बात करें तो हमने इसमें छोटी छोटी यूटीज को मिला लिया है जहाँ पर 1-1, 2-2 सीटें आती हैं, तो इन टोटल यूटीज की बात की कर ली जाए तो यहाँ पर टोटल 6 सीटें होती हैं, और इन 6 सीटों में से 2 सीटें आराम से एनडीए गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहे हैं अदर यूटीज में, 2 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में आराम से जा रही हैं, और आपके 2 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है यूटीज में, और जो 50-50% की एज लिए हैं यानी कि ये चांसेज हैं कि ये बीजेपी के खाते में भी जा सकती हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में भी जा सकती हैं। अब अंत में वीडियो के बात कर लेते हैं अदर टेरिटरीज के बारे में, और अदर टेरिटरी में टोटल सीटें आती हैं 12, और 12 सीटों में से 5 सीटें एनडीए गठबंधन आराम से जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 5 सीटें आपके इंडिया गठबंधन आराम से जीतता हुआ दिख रहा है, और 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और इनमें से 1 सीट अदर के खाते में आराम से चली जाएगी, 1 सीट है जहां पर 50-50% की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो दर्शकों ये था देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का और यूटीज का हाल। अब आपको वीडियो के अंत में निष्कर्ष पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि कितनी सीटों पर कड़ी टक्कर है, कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है, और कितनी सीटों पर आपके एनडीए गठबंधन आपको जीतता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन इस बार 180 सीटें आराम से जीतता हुआ दिख रहा है, यानी कि साफ साफ है कि यह ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कह रही है कि बीजेपी कहीं 150 पर नहीं रुकने जा रही है, बीजेपी उससे आगे इस बार आपको निकलते हुए दिखाई देगी, और 180 सीटें तो आराम से बीजेपी के खाते में जा रही हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के टोटल की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के टोटल में 215 सीटें आराम से आते हुए दिख रही हैं, जिसमें कोई अगर मगर नहीं है, यानी कि 215 सीटें आराम से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के आधार पर आपके इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है।
अब दर्शकों बच गई टोटल 128 सीटें जो हमने आपको बताई, जहां पर कड़ी टक्कर हैं या फिर वो अदर के खाते में जा सकती हैं। तो ऐसी 128 सीटें बच गई हैं जिन पर मुकाबला अभी कड़ा है और ये नहीं पता लग रहा है कि ये किधर जा सकती हैं। और ये 128 सीटें डिसाइड करेंगी देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन इस समीकरण में भी आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से एज लिए हुए है और वो एज है लगभग 35 सीटों का, यानी कि 35 सीटों से आगे इंडिया गठबंधन आपको दिख रहा है। तो साफ साफ लग रहा है कि अगर 128 सीटों में से अगर आधी सीटें भी जीत जाता है तो आराम से इंडिया गठबंधन की आपको देश में सरकार देखने को मिलेगी। अगर इन 128 सीटों में बीजेपी या एनडीए गठबंधन का अच्छा परफॉर्मेंस रहती है तो आपको एनडीए गठबंधन की सरकार देश में देखने को मिलेगी। तो दर्शकों ये था लोकसभा चुनाव 2024 का हाल, और असली परिणाम तो आपको 4 तारीख को या आज से 2 दिन बाद पता लग ही जाएंगे। लेकिन हमने आपको ग्राउंड रियलिटी के आधार पर कुछ बताने की कोशिश की है कि इस बार हवा किस तरफ है। आपको ये परिणाम कितने सटीक लग रहे हैं कितने नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है उसमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है उसमें अपने विचार जरूर रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और आप हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं और अपना सपोर्ट आप भेजना चाहते हैं तो YouTube ने एक नीचे थैंक्स का बटन दिया है, उसको दबाइएगा और आपका सपोर्ट हम तक भेजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।